पेट्रोल के प्राइसेस काफ़ी इंक्रीज हो चुके हैं, तो कस्टमर धीरे धीरे सीएनजी पे शिफ्ट हो रहे हैं। बट आजकल जो मार्केट्स में कार्स है सीएनजी, वो छोटी कार्स में सीएनजी ऑफर की जाती हैं, तो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो बड़ी कार आती हैं, सब कॉम्पैक्ट एसयूवी आती हैं, प्रीमियम हैचबैक्स आती हैं, उनमें भी धीरे धीरे कंपनी सीएनजी की ऑफ़र देना शुरू कर रही है। क्योंकि देखो, माइलेज जिसने प्रीमियम कार भी ली है, हाई प्राइस पे भी कार ली है, उसको भी तो सीएनजी अगर मिल जाए तो कमाल ही हो जाए, माइलेज बढ़िया आ जाए। तो आज की वीडियो में बात करेंगे, एंड आप सब लोग तो जानते हैं कि मारुति नंबर वन है सीएनजी कार ऑफर करने में। तो सबसे पहले स्टार्ट ही उसकी ब्रांड से करेंगे, मारुति से। सबसे पहले आती है ब्रेजा। ब्रेजा को भी फैक्ट्री फिटेड सीएनजी में ऑफर किया जाएगा। काफ़ी स्पाइड इमेज सामने आई है, डीलरशिप पे देखी गई है यहाँ पे ब्रेजा सीएनजी फैक्ट्री फिटेड। और कमाल की बात मैं आपको बताने वाली हूँ, देखो मैनुअल के साथ तो आएगी, मोस्टली सीएनजी मैनुअल के साथ ऑफर करी जाती है, बट इसमें कमाल की बात यह है कि इसको ऑटोमेटिक रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इसको ऑटोमेटिक वेरिएंट्स में भी ऑफर किया जा सकता है। तो ये पहली सब कॉम्पैक्ट एसयूवी होने वाली है जिसमें आपको फैक्ट्री फिटेड सीएनजी ऑटोमेटिक में भी ऑफर किया जाएगा। और जैसे ही इसमें अर्टिगा सीएनजी वाला 1.5 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन आता है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो पावर फिगर्स भी सेम ही होंगी, जैसे कि 87 bhp एंड 121 न्यूटन मीटर टॉर्क। हालांकि 1-2 bhp यहाँ पे फ़र्क पड़ सकता है, बट ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, एक्सपेक्टेडली इतनी ही पावर होगी ब्रेजा में। एंड इसमें देखो, जैसे कि मैंने बताया ऑटोमेटिक में भी आएगी, यानी कि लोअर वेरियंट को छोड़ के LXi को इसमें आपको 6 वेरियंट में ऑफर करी जाएगी, जैसे कि VXi का ऑटोमेटिक, देन इसमें आपको आएगा ZXi का ऑटोमेटिक सीएनजी, एंड थर्ड इज ZXi प्लस यहाँ पे ऑटोमेटिक सीएनजी में ऑफर करी। 6 वेरियंट में यहाँ पे आपको सीएनजी ऑफर करी जाएगी। जिसको सिर्फ सीएनजी चाहिए, ज़्यादा फीचर नहीं चाहिए, तो वो VXi परचेज कर सकते हैं। जिसको फीचर्स भी चाहिए, वो फीचर्स के साथ साथ सीएनजी की ऑप्शन भी परचेज कर सकता है। एक्सपेक्टेड प्राइस, जैसे कि VXi का प्राइस 9.46 लाख है फॉर पेट्रोल, तो जो सीएनजी होती है ज़्यादा अप्रॉक्सीमेटली 92-1 लाख इसका प्राइस ज़्यादा होता है पेट्रोल से। तो एक्सपेक्टेड प्राइस होगा जो VXi होगा, स्टार्टिंग जो होगी वो 10 लाख 40,000 से स्टार्ट होगी सीएनजी ब्रेजा सीएनजी। 10 लाख से लेके यहाँ पे 15 लाख तक अप्रॉक्सीमेटली इसकी एक्स शोरूम वैल्यू होगी ब्रेजा सीएनजी की। नेक्स्ट, इसको कंपटीशन देने के लिए, जैसे इसका कंपटीशन है नेक्सॉन, उसने भी ICNG, यस, जो टाटा मोटर्स अपनी CNG को ICNG के नाम से बुलाती हैं, तो काफ़ी टेस्ट करते नज़र आई हैं। और इसमें भी एक खास चीज़ आपको मिलने वाली है कि इसको टर्बो इंजन के साथ आपको ऑफर की जाएगी, तो यानी कि ज़्यादा पावर आपको मिलने वाली है, क्योंकि जो इसका नेचुरल स्पीड होता है इतनी पावर नहीं होती, टर्बो में ज़्यादा जनरेट करता है पावर, तो टर्बो के साथ ज़्यादा पावर आपको मिलेगी। 84 PS एंड 130 Nm अप्रॉक्सीमेटली इसकी पावर फिगर्स होगी। ज़्यादातर इसमें भी आपको 2-3 BHP का फर्क पड़ेगा, बट इतनी अप्रॉक्सीमेटली तो यहाँ पे पावर होने वाली पावर फिगर्स। प्राइस इसका 9-13 लाख एक्स शोरूम होने वाला है। और जैसे कि टाटा टियागो और टाटा टिगोर को 4 वेरियंट्स में ऑफर किया जाता है, सो दैट टाटा मोटर्स चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा वेरियंट्स में हम ये सीएनजी को यहाँ पे ऑफर करें, सो दैट कि कस्टमर को ज़्यादा वेराइटी मिल सके। तो नेक्सॉन में भी कम से कम 3 वेरियंट में सीएनजी ऑफर करी जाएगी, हालांकि 4 भी हो सकते हैं। और इसका जो लॉन्च होगा नेक्स्ट ईयर हो सकता है, फर्स्ट हाफ में, नेक्स्ट ईयर के फर्स्ट हाफ में। नेक्स्ट, अब इन्हीं का ही एक कंपटीशन, अब देखो अगर इनके कंपटीशन में गाड़ियाँ लॉन्च होने सीएनजी तो ये ज़्यादा बिकेंगी। किया सोनेट कहाँ जाएगी? किया सोनेट में भी यहाँ पे एक्सपेक्टेडली सीएनजी की ऑप्शन किया मोटर्स देने वाली है। तो ये किया की पहली कार होगी जिसमें आपको फैक्ट्री फिटेड सीएनजी का ऑप्शन मिलेगा, जिसको 1.2 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन के साथ ऑफर किया जाएगा, जिसकी पावर होगी 62 PS एंड 140 न्यूटन मीटर। हालांकि पावर थोड़ी सी कम है, अब देखिए कि कैसा परफॉर्म करती है, कैसी ट्यूनिंग रखी जाती है इसकी। किया सोनेट सीएनजी का एक्सपेक्टेड प्राइस यहाँ पे 8-12 लाख के बीच में पे होना चाहिए अगर इस पेट्रोल इस इंजन के साथ ऑफर किया जाएगा। तो जो लॉन्च है इसका नेक्स्ट ईयर फर्स्ट हाफ में एक्सपेक्टेडली हो जाएगा। नेक्स्ट आती है एल्ट्रोज सीएनजी, जिसको भी ICNG कंपनी नाम देती है टाटा मोटर्स। इसको भी 1.2 लीटर नॉन टर्बो इंजन के साथ ऑफर किया जाएगा, जिसमें 92 PS एंड 95 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ ऑफर किया जाएगा। इसको भी जैसे टाटा टियागो, टाटा टिगोर जैसे 3 या 4 वेरियंट्स में कम से कम ऑफर किया जाएगा, 3 तो वेरियंट्स कम से कम होने वाले हैं, सो दैट कि लोगों के पास ज़्यादा ऑप्शन हो सके सीएनजी में। इसका प्राइस होगा 8-12 लाख के बीच में इसका प्राइस रहने वाला है। नेक्स्ट,
इस जो सेगमेंट है सबको फोर कम्पैक्ट हो चुकी है, सेगमेंट हो चुका, अब कॉम्पैक्ट एसयूवी में भी सीएनजी ऑफर करी जाएगी। जिसको सीएनजी चाहिए, देखो चाहिए वो तो खरीदेगा ही। अब इसमें सब सॉरी कॉम्पैक्ट एसयूवी में ग्रैंड विटारा आने वाली है सीएनजी में। कॉम्पैक्ट एसयूवी में पहली गाड़ी होगी जिसमें सीएनजी फैक्ट्री फिटेड ऑफर किया जाएगा। इसको मिडल वेरियंट यानी कि डेल्टा के साथ एंड जेटा के साथ ऑफर किया जाएगा सीएनजी में। जैसे कि इसमें जिसका एक्सपेक्टेड प्राइस रहने वाला है 14 लाख से लेके 16 लाख तक, यानी कि 14 लाख से लेके ये 16 लाख तक इसका एक्सपेक्टेड प्राइस होगा एक्स शोरूम प्राइस। और पावर जैसे कि इसमें 1.5 लीटर का नेचुरल स्प्लेंडर है जो कि अर्टिगा सीएनजी में भी आता है, तो पावर फिगर भी अप्रॉक्सीमेटली सेम रहने वाली है, जैसे कि 87 bhp एंड 121 Nm टॉर्क। नेक्स्ट इसी का ही कंपटीशन जैसे कि ग्रैंड विटारा का आता है, डायरेक्ट कम्पीट करती है हाई राइडर के साथ। तो जल्द ही हाई राइडर सीएनजी में लॉन्च कर दी जाएगी, किसी भी टाइम लॉन्च हो सकती है। तो इसका भी मिडिल वेरिएंट में ऑफर करी जाएगी, जैसे कि इसके मिडिल वेरिएंट एस एंड जी में आपको ऑफर किया जाएगा। और इसमें भी 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन नेचुरल स्पिरिटेड जो ग्रैंड विटारा में आता है, जो अर्टिगा सीएनजी में आता है, तो काफ़ी ऐसे डायरेक्ट रिलेशन है। तो इसमें भी 87 bhp 121 Nm टॉर्क ऑफर की जाएगी हाई राइडर सीएनजी में। तो इसका जो एक्सपेक्टेड प्राइस 14 लाख से लेके 16 लाख के बीच में जिसका एक्स शोरूम प्राइस होगा फॉर हाई राइडर सीएनजी वेरिएंट। अब ये तो थी कार्स जो लॉन्च होंगी, बट जो ऑलरेडी रिसेंटली लॉन्च हुई हैं उस मूवी में आपको बता देती हूँ। अभी भी रिसेंटली प्रीमियम हैचबैक जो कि बलिनो ग्लेंजा सीएनजी में भी आप मिलनी शुरू हो चुकी है, जिसमें आपको 1.2 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन के साथ ऑफर किया जाता है सीएनजी वेरिएंट फैक्ट्री फिटेड। इसकी पावर है 77 bhp एंड 99 Nm टॉर्क। और जो बलिनो सीएनजी का प्राइस है कुछ इस तरह है, दो वेरिएंट में ऑफर करी जाती है डेल्टा एंड जेटा। डेल्टा का प्राइस है एक शोरूम 8,28,000 एंड जेटा का प्राइस है 9,21,000 जेटा वेरिएंट एक शोरूम प्राइस। ग्लेंजा में भी आपको यही सेम इंजन 1.2 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड 77 bhp एंड 99 Nm टॉर्क के साथ सीएनजी फैक्ट्री फिटेड ऑफर करी जाती है। और जो इसमें भी दो वेरिएंट में ऑफर करी जाती है मिडिल वेरिएंट में एस एंड जी, एस वेरिएंट का प्राइस है एक्स शोरूम 8,43,000 एंड जो ग्लेंजा जी वेरिएंट है उसका प्राइस है एक्स शोरूम 9,46,000। अब ये तो मैंने आपको बता दी सब कॉम्पैक्ट एसयूवी, कॉम्पैक्ट एसयूवी एंड अब एमपीवी में भी आपको यहाँ पे सीएनजी ऑप्शन ऑफर किया जाता है मारुति की तरफ से। जी हाँ, XL6 में भी आपको सीएनजी फैक्ट्री फिटेड ऑफर किया जाता है। अब जैसे कि इसमें सिर्फ तीन वेरिएंट है, लोअर वेरिएंट तो आता नहीं, जेटा आता है, अल्फा आता है, अल्फा प्लस आता है। तो जेटा वेरिएंट में ही सीएनजी ऑफर किया जाता है जिसका एक्स शोरूम प्राइस है 12,24,000 रुपीज एक्स शोरूम प्राइस। सो ये सारी सीएनजी मतलब जो अभी अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है या फिर रिसेंटली आगे लॉन्च होने वाली है, जल्दी लॉन्च होने वाली है, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर कर दी है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह का अमेजिंग कंटेंट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए।